여기야. 치아리 꺼니한테는 이런 한데 어? 꺼니한테는 누가 얇게도 이거 और फिर थोड़ा सा वक्त निकाल के हमने कबर्ड भी सॉर्ट किया, वो भी सॉर्ट करना है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कपड़े जो है वो सेट हो जाए। और ये प्यारा रूहान देखिए आजकल बहुत समझदार हो गया है, सीधा है, ऐसे क्रिप में रहता है, अपने दोस्तों को देखते रहता है, उनसे बातें करता रहता है। मैं ना जाऊं बात करने, क्योंकि वो चुपचाप लेटा है, या तो फिर रोएगा तो फिर चुप करा। ये तो गलत बात है ना यार, अभी वो जगह है, मैं उसके पास जा रहा था खेलने के लिए, वो कुछ सन से बात कर रहा है, उसको बात कर ले दो। तो फिलहाल उसका ना शेड्यूल हो गया इस टाइम पे, वो रोज ये वाला फील्ड के बाद दिखता है ब्लैक एंड व्हाइट वो, पर ये गलत बात है ना, आप मुझे रोक दो कि जाने से। जैसा कि आप जानते हैं दीपिका ब्रह्म अभी बिजी हैं रूहान को संभालने में, जिस वजह से वो पूरा वक्त अपना रूहान को दे रही हैं और वो बिजी रहती हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन है। और शब ब्रह्म भी अपने काम से बाहर रहते हैं ज़्यादातर टाइम, इसी वजह से वो दीपिका को भी टाइम नहीं दे पाते, और रूहान बहुत अभी छोटे हैं जिस वजह से शब ब्रह्म अकेले फिल्म देखने चले गए। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि शब ब्रह्म अकेले फिल्म देखने गए, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दीपिका को, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं, वो एक बहुत अच्छी वाइफ है और बहुत अच्छी माँ भी हैं, जो उन्होंने साबित कर दिया है। और शब इब्राहिम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अकेले देखने गए, बट ऐसा होता है कभी कभी, जो नहीं करना चाहते अपन को वो करना पड़ता है, लाइफ में सारे मोमेंट्स आते हैं। और इसमें नेक्स्ट टाइम जब भी होगा रूहान जब बड़े हो जाएंगे, शब इब्राहिम उन्हें ज़रूर फिल्म दिखाने ले जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।